अरे यार थोड़ा पीछे आ जाना दादा, 37 दिन का पीछे जा भाई, पीछे जा दादा, पीछे जा, पीछे ले ले, पीछे कैमरा ले, कैमरा पीछे ले ले। सर क्या फैसला आ जाए? ठीक है, आज जो फैसला आया है वो माजू, ठीक है, व्यापम के द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 से संबंधित है। इसमें एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दलाल प्रदीप त्यागी के माध्यम से उसने अपना एक रैकेट चला रखा है और कई परीक्षार्थियों को विभिन्न परीक्षा केंद्रों से परीक्षा में बिठा लेगा। इस सूचना पर एसटीएफ भोपाल के द्वारा दबिश दी गई और दिनांक 15/9/13 को आयोजित होने वाली परीक्षा में विभिन्न केंद्रों से 6 फर्जी परीक्षार्थी जो कि अन्य अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए थे तथा इसी तरीके की एसटीएफ की ग्वालियर इकाई के माध्यम से संपादित हुई दतिया में वहाँ पर भी 6 परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मौके पर ही अन्य दलालों का जो कि होटल में रुके हुए थे या अन्य जगहों पर मिलना उनका तय था वहाँ से उनको गिरफ्तार किया और पूरा अनुसंधान के बाद में चार्जशीट पेश की गई। सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इसमें अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए जो निर्देश दिए थे सीबीआई के द्वारा अग्रिम अनुसंधान कर इसमें चार्जशीट पेश की गई और 31 आरोपियों को आज इस प्रकरण में दोषी पाया गया। किसको कितनी सजा, कितने आरोपियों कितनी सजा? इसमें 31 आरोपी हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सूत्रधार प्रदीप त्यागी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2 धाराओं में मिथ्या दस्तावेज तैयार करने तथा भविष्य में उनका उपयोग करने की संभावना को देखते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और अन्य शेष 30 आरोपीगण को 7 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। ठीक है, थैंक यू।